नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। हाल ही में रिलीज हुई धीरज सरना निर्देशित और विक्रांत मैसी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट ने अपने शुरुआती वीकेंड में ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की दुखद घटना पर आधारित इस फिल्म को लेकर लोगों के रिएक्शन अच्छे आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। द साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री विधायक सांसदों को भी देखने पहुँचा रहे हैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सके। और ये बात भी सही कि अतीत के काल में वो ऐसा काला अध्याय है जिसमें सच्चाई दूध का दूध पानी की तरह इस पिक्चर को देखने से समझ में आती। राजनीति अपनी जगह है लेकिन ऐसे वोटों की राजनीति के कारण से इतना गंदा खेलना ये बहुत खराब बात थी। और मैं मान के चलता हूँ कि उस समय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन समय मुख्यमंत्री करके थे उन्होंने बहुत अच्छे से कुशलता के साथ पूरी घटना में गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। ऐसे में उस सत्य को आने में आज तो दूध का दूध पानी का पानी करना ही चाहिए। तो एक हमारे आदिवासी नौजवान डॉक्टर प्रदीप उइके ने जंगल सत्याग्रह पर एक फिल्म बनाई है और वो जंगल सत्याग्रह की फिल्म परसों रिलीज हुई है। बैतूल में उन्होंने शुरू की है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको हम लोग मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, क्योंकि जंगल सत्याग्रह ब्रिटिश हुकूमत ने जिस प्रकार से जंगल के अधिकार पूरे तरीके से हत्या लिए थे ब्रिटिश हुकूमत ने, उसके खिलाफ छोटा नागपुर से लेकर और हमारे गोंडवाना क्षेत्र तक हर इलाके में आंदोलन हुआ था और उसमें हमारे महात्मा गांधी जी ने उसमें शामिल हुए थे और कुमरे जी हमारे शहीद हुए थे, हमारे उन्होंने आंदोलन को लीड किया था, बैतूल के रहने वाले थे। उस जंगल सत्याग्रह की फिल्म को भी आप देखिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।